आप देख रहे हैं कुबेर भूमि और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महासमुंद जिले के सरायपाली पुलिस ने 50 लीटर महुआ शराब के साथ एक प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया है। जी हां, आपने सही सुना, पुलिस ने अपने ही प्रधान आरक्षक को शराब परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2020 के मद्देनजर शराब पर महासमुंद जिले की विभिन्न थानों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 20 जनवरी को थाना सरायपाली को सूचना मिली कि उड़ीसा की ओर से चार पहिया वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब परिवहन की जा रही है। सूचना पर तुरंत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG13UA8318 को रोका गया। दो वाहन में एक सिल्वर रंग के डिब्बे में 50 लीटर महुआ शराब भरा हुआ मिला। अवैध शराब बरामदगी पर पता चला कि वाहनों में सिंघोड़ा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक वृंदावन भोई सवार है, जो शराब के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिससे पता चला कि प्रधान आरक्षक खुद अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रतिबंध महासमुंद पुलिस ने प्रधान आरक्षक वृंदावन भोई के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। आरोपी के कब्जे से शराब के अलावा परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है। वहीं महासमुंद पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस की इस कार्यवाही से सभी को एक स्पष्ट संदेश है कि शराब का तस्कर चाहे कोई भी हो, उस पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग के किसी भी कर्मचारी के अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पूरा मामला पिछले एक महीने से हम लोगों ने झुमकर और इसके ऊपर बहुत फोकस किया है कि अवैध शराब जो भी जिले में आ रही है उस पे हम कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें। उसी को देखते हुए पिछले एक महीने में कुछ बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और थाने को और थाने के अलावा भी जो मतलब स्पेशल टीम रहती है उनको ये निर्देशित किया गया है कि सभी के ऊपर निगाह रखें। कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी सिंगोड़ा थाने की भी कि कुछ वहाँ पे ऐसी संलिप्तता और ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं जिसके बेस पे हम लोगों ने मतलब उस पर नज़र रखी हुई थी। कल रात में हमको एक पुष्ट जानकारी थी कि अभी इधर से एक स्कॉर्पियो गुजरेगी जिसमें कच्चे दारू का भंडार रहेगा। उस जानकारी पे हम लोग सरायपाली में पॉइंट दिए थे और उस पर चेकिंग लगाए हुए थे। चेकिंग पे रात में करीब 8:30 के आसपास गाड़ी आई। गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें हमारा खुद का सिंगोड़ा थाने का जो हेड कॉन्स्टेबल है वृंदावन गांगुली वो और उसके साथ करीब एक जर्किन थी जिसमें करीब 60 लीटर महुआ शराब थी, वो वहाँ पे जब्त किया गया और पूछताछ पे उसने ये स्वीकार किया कि ये दारू वो सिंगोड़ा थाने का ही सरहदी गांव है जो बलगढ़ से लगा हुआ है डोंगा रक्षा, वहाँ से उसने उठाया था और वो जो उसका खुद का गांव पेटंडी जो सरायपाली थाने के अंतर्गत आता है उस गांव में वो पंचायत चुनाव के लिए ले जा रहा था। किसी के कहने पे शायद सरपंच या कोई और जो था उसको ज़रूरत थी, तो इस तरीके का जो इलीगल गतिविधि थी वो उसमें इन्वॉल्व था। उसको देखते हुए उसको रात में ही अरेस्ट किया गया और आज सुबह उसको वैधानिक कार्यवाही करते हुए जेल भी। जांच में सर और क्या निकल कर सामने आ रहा है, इसके पहले भी किसी प्रकार का उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया हो? अभी तो इसके कोई सबूत नहीं है। हाँ, हमारे पास सिंगोड़ा थाने पे कुछ इलीगल गतिविधियों की पहले से शिकायत है और उस पर भी हम लोग नज़र बना के रखे हुए हैं। सभी पुलिस वालों के लिए भी ये संदेश है इसका ये कार्रवाई कि ऐसे जो भी इलीगल गतिविधियाँ हैं या तो उस पर अंकुश लगा दें और जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लें।